अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाएंगे मेथी के पराठे। तो मैंने यहाँ पर मेथी को अच्छे से साफ करके ले लिया है, धो के यहाँ पर रखा है सूखने के लिए। तो चले अब चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा 500 ग्राम्स लिया है। 2 कटोरी में यहाँ पर मैंने मेथी की भाजी को अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। मिर्च पाउडर हम 1 चम्मच लेंगे। 1/2 चम्मच हम यहाँ पर हल्दी पाउडर लेंगे। 1 चम्मच नमक लेंगे। 1 चम्मच जीरा लेंगे। 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। तो पहले हम सारे सूखे मसाले ऐड कर देंगे। मिर्च, हल्दी, नमक, जीरा, बेसन, और भाजी। बेसन का आटा ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें। बेसन डालने से हमारे पराठे बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। तो अब हम इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर तेल डाला है। पानी डालने से पहले हम इनको सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे एक बार। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। आटे को हमें अच्छे से गूंदना है। तो यहाँ पर हमारा आटा गूंद कर तैयार हो चुका है। इसे हम 20 से 25 मिनट तक ढककर रख देंगे। थोड़ा सा इसमें अब हम तेल डालेंगे। तेल डालकर इसको हम रख देंगे ढक करके। तो यहाँ पर 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। तो हम अब इसको एक बार अच्छे से गूंद लेंगे। हमारा आटा बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको सूखा आटा डालकर एक बार फिर से गूंद लेंगे। जितना आप आटे को गूंदेंगे उतना ही मुलायम और सॉफ्ट पराठे बनेंगे इससे। अभी हमें इन्हें छोटे छोटे पेड़े बना लेना है कट करके। इस तरह से दोनों हाथों में लेकर हम इसकी लोई बनाकर रख लेंगे। Thank you.
को तेल लगाएंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो स्क्वायर टाइप के हमारे यहाँ पर पराठे बनाएंगे हम सारे। हम ऐसी तरह से एक एक कर कर बेल कर पेड़े बना लेंगे। एक और मैं बनाकर दिखा रही हूँ आप सबको। आप इनको किसी भी शेप के बना सकते हैं। जब आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे हमारे पराठे। तो इन्हें आप आराम आराम से इस तरह से बेल लें पलट पलट कर। दूसरी तरफ हम हाई फ्लेम में तवे को गर्म होने के लिए रख देंगे। जब तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा इसमें पराठे डाल देंगे। हमें हाई फ्लेम में पकाना है। जब थोड़ा सा नीचे से सिक जाए तो हम तेल ऐड कर देंगे। ऊपर से हमें तेल डालना है। दूसरी साइड भी हम तेल डाल देंगे। अभी हमें इसको मीडियम फ्लेम पर आराम आराम से अच्छे से पकाना है। जब तक ये चारों तरफ से अच्छे से सिक नहीं जाते तब तक हमें इसे ऐसे ही पकाते रहना है। अब हम इसमें घी भी ऐड करेंगे। घी डालकर बनाने से पराठों का टेस्ट दुगना हो जाता है। तो आप ज़रूर घी डालकर बनाएं पराठे। बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। तो आप इस तरह से बनाकर देखें। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
लिए बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम सारे पराठों को बना लेंगे। बहुत सिंपल रेसिपी है फ्रेंड, तो आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं ये हमारे मेथी के पराठे। तो देखिए घी डालकर बनाए आप सारे पराठों में।